इनक्यूबेटर से निकले। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइजर स्ट्राइव्स। आज हम एक बिल्कुल न्यू वीडियो लेकर आपके पास आए हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक फुली ऑटोमेटेड इनक्यूबेटर में एग्स को कैसे रखा जाता है, और हैच होने के बाद जो चूजे होते हैं आपको वो भी दिखाएंगे। तो हमारे अली भाई ने ओपन किया और अब इसमें एग्स रख रहे हैं। अली भाई, आप इसमें कितने एग्स रखेंगे? मोर देन 56। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मोर देन 56 एग्स इसमें एट अ टाइम आप रखेंगे। अच्छा, इस इनक्यूबेटर में कितने डेज में एग्स हैच होते हैं? 21 डेज में। आपने क्या इससे पहले इस इनक्यूबेटर को यूज़ किया? जी, उसके एग्स के चिक्स भी आपको भी दिखाएंगे इसके बाद। ठीक है, तो आप कितनी बार इस इनक्यूबेटर को यूज़ कर चुके हैं? अराउंड हाफ ईयर हो गया। हाफ ईयर हो गया है, ज़बरदस्त। ये आप जो एग्स रख रहे हैं कौन सी वैरायटी के एग्स हैं? ये है ब्रामा सिल्वर सेपरेट पॉलिश और मिली फ्लावर के ऑस्ट्रोलॉफ। यानी इस इट मींस कि आपके पास इस वक्त इस तमाम वैरायटीज़ की हैन मौजूद है। अच्छा, इन सब के ब्रीडर हैं, ज़बरदस्त माशाल्लाह ज़बरदस्त। हम होप करते हैं कि ये सारे एग्स हैच हों और आपकी एफर्ट्स जो हैं वो आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट भी दें। अच्छा, ये मुझे बताइए कि आपको ये शौक़ है या आप बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लेकर चल रहे हैं? शौक़ है बिल्कुल। और क्या ये आप सेल करेंगे? अगर मैं आपसे ख़रीदना चाहूँ तो आप मुझे सेल करेंगे? वाई नॉट, ज़बरदस्त। चेक सेल होते हैं, इनमें से स्टार्टिंग है फ्रॉम 500 टू अप टू 1000 चिकन चिक निकलता है। बस उसके उसको अगर मेरे पास एक्सेस हो जाए तो मैं उनको सेल कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं सिल्वर सेपराइट का एक चिक लूँ तो आप मुझे कितने का देंगे? 500 का। ज़बरदस्त, ये तो आप बहुत सस्ता दे रहे हैं, मार्केट में तो इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होगी। मैं वैक्सीनेशन करके देता हूँ, उसका ये कि आपके रानी खेत जैसी बीमारी से महफूज रहते हैं आपके चिक्स। यानी आप फुली वैक्सीनेटेड चिक हमें 500 का सिल्वर सप्लाई करेंगे? जी। और अगर ब्रह्मा का हम लेना चाहें तो? 1000 का। ये भी आप बहुत ज़्यादा रिजनेबल दे रहे हैं। डेफिनेटली मैं आपसे लेकर जाना चाहूँगी। अच्छा, हाँ जी। भाई, आप में से फ्रेंड्स कोई भी अगर लेना चाहता है चेक तो मैं डिस्क्रिप्शन में वजाहत भाई का अली भाई का नंबर दे दूंगी, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप एग्स लेना चाहें एग्स ले सकते हैं, अगर आप चिक लेना चाहें चिक ले सकते हैं, और होपफुली आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी देगा। अच्छा, आप कोई हैन है आपके पास जो एग्स के लिए आप यूज़ करते हैं? हैन भी है, वो भी कुलुक होगी तो मैं बिठा दिया। आमतौर पर मैं उसको बिठाता नहीं हूँ फॉर ब्रूडिंग, लेकिन वो कुलुक होगी तो मैं बिठा दिया, वो भी आपको दिखा देंगे क्लिप। ज़रूर, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग काम है। अच्छा, इनक्यूबेटर का टेम्परेचर ह्यूमिडिटी आप कैसे मेंटेन करते हैं? ये मेरे पास ऑटोमेटिक इसके अंदर सिस्टम लगा हुआ है, आपको नज़र आ रहा है अभी ये 34 पे हो गया, वरना 35.5 मतलब टेम्परेचर मेंटेन करके रखता हूँ। ठीक है, और ह्यूमिडिटी?
ह्यूमिडिटी इसकी स्टार्टिंग में 60 से 60 to 65 रहती है और फिर आखिरी दिनों में इसको 80 तक इंक्रीज कर दिया जाता है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो आप क्या कैसी ह्यूमिडिटी मेंटेन करते हैं, कोई आपके पास इसमें सिस्टम है? इसमें सेंसर लगा हुआ है SCC 3028। अच्छा जी, ये वाला, इससे ये इसका टेम्परेचर और ये इसकी ह्यूमिडिटी है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और ये क्या चीज़ आप इसमें लगा रही हैं? इसके ये ऑटोमेटिक ट्रे, ये हर 5 आवर्स के बाद खुद ही होती है। और नीचे वाली ट्रे के अंदर मैंने मैनुअल रखा है, वो मैनुअली हमें रोटेट करना पड़ता है। और ये इसमें जो एग्स रखेंगे वो खुद ही रोटेट होंगे? ठीक है। इसके नाम है बेंटम हीरा और ब्रह्मा के रखूँगा एग्स। नीचे मिक्स है और ऊपर जो ये स्पेसिफिकली बेंटम और हीरा और ब्रह्मा के रखे जाएंगे। ठीक, इसकी कोई ख़ास वजह है या जनरली? नहीं, जनरली ये किसी इसको ये मैं फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो इसका मुझे पता होना चाहिए कि कौन सी ब्रीड के हैं, ताकि मुझे अंदाज़ा रहे किसका रेशो क्या आ रहा है। उसी हिसाब से भी इसकी फीड और विटामिन और इसकी डाइट पे काम किया जाएगा कि इसकी फर्टिलिटी कैसी है जब इसकी कैंडलिंग की जाएगी। ठीक ठीक। आप कैंडलिंग कितने दिनों के बाद करेंगे? अमूमन 6 दिनों बाद होती है, लेकिन मैं कभी कभार 4 दिनों बाद भी कर लेता हूँ। ठीक है, अभी सारे एग्स रख दिए हैं। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में हम आपको इन एग्स की कैंडलिंग ज़रूर दिखाएंगे, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अच्छा, ये ह्यूमिडिटी इसमें क्रिएट कर रहा है। अब जो हमने सारे एग्स रख दिए, अब मशीन अपना काम करेगी और हम अल्लाह से दुआ करें कि हमारे साथ एक सहज हो। ज़बरदस्त। अच्छा, यानी इसमें सक्सेस रेट का भी होता है? सक्सेस रेट का होता है, लेकिन वही बैच टू बैच पता चलता है, क्योंकि सीज़न चेंज हो रहा है, इसलिए एग्जैक्ट बता पाना मुश्किल होता है। तो होप फॉर द बेस्ट। होप फॉर द बेस्ट। और आपके पास ऑलरेडी हैच कुछ चीज़ है, आपको वो भी दिखाते हैं? जी ज़रूर, प्लीज़। थैंक यू। अच्छा, ये जो इंक्यूबेटर से निकले होते हैं वो ना, ये आपने इसको बॉक्स में रखा हुआ है फिर? हाँ जी। या इनके लिए कोई स्पेसिफिक जगह है? इनको भी बाद में किया जाएगा उसमें। अच्छा जी, जबरदस्त। इसमें डिफरेंट वैरायटीज हैं आपके पास, कौन कौन सी वैरायटी? इसमें सिल्वर से ब्राइट, रोज कॉम, ब्रह्मा और बेंटम है। ठीक है, फिर ये भी विद इन 2 वीक्स ये भी चीज को जाने। थैंक यू अली भाई, आपका बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद करते हैं कि फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और ये भी हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाली वीडियोस का आप इंतज़ार करेंगे। और इस वीडियो को ज़रूर 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 लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और प्लीज़ हिट द बेल आइकन आल्सो, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइमली मिल सकें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और विल सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।